7.5 किलोमीटर गाड़ी मेरा चल चुका है। तो आ जाओ दिखाते हैं भाई कैसा लोकेशन है। तो देख सकते हैं छोटा सा गली है, यहीं पे अपना गाड़ी आया हुआ है। गाइस कच्चा माल और पक्का माल में बहुत फर्क होता है। कच्चा माल जब लोड रहता है गाड़ी में तो हम लोग को जरा सा भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है भाई। ऐसे ड्राइवरों को भाई से दुर्घटना होता है सड़क पे, देख सकते हैं आप। तो भाई बात देखो पैसे की नहीं है, यहाँ हम आए हैं तो लोडिंग लेके ही जाएंगे, सबसे बड़ा चीज ये है। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। भाई कल के ब्लॉग में देखा होगा हम बनारस से निकले थे माल लोड करके, मतलब मेरे गाड़ी में घर का सामान लोड है, हमें जाना है बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब हमें जाना है जो मालदा है, मालदा से भी 30-40 किलोमीटर आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुर से 50 किलोमीटर आगे, मतलब ये जगह के चाचा क्या नाम है, जामताड़ा। तो अभी हम जामताड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो दूरी बचा है अपना सफर वो बचा है 300 किलोमीटर का। और भाई रात को जामताड़ा में गाड़ी लगा के सो गए थे, काफी भयंकर वाला नींद आ रहा था हम लोगों को। एक्चुअली बहुत सारे ढाबा वाले होते हैं, भैया यहाँ पे मत सो, हमारा जगह चेको मत, लेकिन जो ढाबा पे हम लोग सोए थे इनसे मैंने पूछ लिया था चाचा यहाँ पे सो सकते हो, उन्होंने बोला बेटा आराम से सो सकते हो। सुबह हम लोगों ने फ्रेश व्रेश हो लिया है, मंजन कर लिया है, बस थोड़ा सा गाड़ी को साफ सफाई करेंगे। पोषण ने शीशा ऐसा चमका दिया है, लेकिन थोड़ा बस पानी मारेंगे हम लोग टायर के ऊपर, उसके बाद फिर कंटिन्यू सफर करेंगे। भाई अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका बीडीएम बाइक का नया चैनल है ये, बीडीएम कार ब्लॉग पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए। तो बहुत भाइयों का अच्छा अच्छा कॉमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए दिन से धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए फटाफट अपना सफर को करते हैं कंटिन्यू। चलिए पहले थोड़ा सा टायर के ऊपर पानी मार लेते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग सुबह सुबह अपने आप को ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, वैसे ही भगवान को हम चला रहे हैं तो भगवान के ऊपर भी थोड़ा सा पैर धो के चलाना चाहिए। तो फ्रंट में भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, पता नहीं क्यों, कल सर्विस जब हुआ था मेरा गाड़ी ना, उसके बाद से ये वाला जो काला काला है पता नहीं कहाँ से उड़ के आ जा रहा है अपने आप। तो थोड़ा सा सफाई तो जरूरी है यार गाड़ी का। और यहाँ पे भी पता नहीं क्या लग गया है, छूट नहीं रहा, इसको धोना पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए गाइस निकलते हैं अब यहाँ से हम लोग। तो गाइस सफर अपना कंटिन्यू हो चुका है फिर से सुबह सुबह। गाइस कच्चा माल और पक्का माल में बहुत फर्क होता है। कच्चा माल जब लोड रहता है गाड़ी में तो हम लोग को जरा सा भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, और अभी पक्का माल लोड है तो हम लोग अपने मन से चल रहे हैं। जैसे रात में नींद आ रहा था हम लोग सो गए, रात में 1:30 बजे तक गाड़ी चला, उसके बाद हम लोग सो गए, तो अभी सुबह 6 बजे हम लोग फिर सफर कंटिन्यू किए हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे भी रुकते थे खाना पीना खाने के लिए इस जगह पे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसके पीछे रुके थे ना पसंद, हाँ। एक बार यहाँ पे रुके थे हम लोग, हाँ। तो दादा आप बताइए कि आप पहली बार मतलब बाई रोड इतना लॉन्ग सफर कर रहे हैं, हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि गाड़ी में ट्रेन का सफर में और गाड़ी का सफर में क्या अंतर समझ में आ रहा है? गाड़ी के सफर में जो है कि अपने मन के ऊपर है, और ट्रेन जो है कि अपने मन से चलता है। गाड़ी आप चला रहे हैं अपने मन से, जहाँ मन वहाँ रोक दे रहे हैं जो भी है। अब ट्रेन में है, अपने बस में तो नहीं है। सही बात है, ट्रेन जहाँ रुकेगा वहीं पे सब कुछ करना है। सही बात है। तो मतलब अच्छा लग रहा है आपको? एकदम एकदम, पहली बार आप इतना दूर का सफर करने वाले हो बाइक बाई रोड। चलिए तो जब भी हम जामताड़ा रोड से गुजरते हैं ना, तो ये तो रोड पूरा सिंगल रोड है और खाली भी रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा बहुत पहले जब हम इधर आते थे तो कुछ भाई लोग बोलते थे बीडीएम भाई रात को 12 बजे के बाद जामताड़ा या फिर दुमका से आगे मत जाइए, खतरा है। तो वो क्या चीज़ का खतरा है अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी दूसरे ड्राइवरों को बता पाए कि यार दुमका का आगे खतरा है। लेकिन हमें तो नहीं लगता ये खतरा है, बाकी अगर किसी को पता हो तो कॉमेंट करके। तो जस्ट अभी दुमका से हम लोग आगे बढ़ी रहे थे, मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, क्या नाम है? अर्जुन मगाली। अच्छा, और आपका? सूरज मिश्रा। अच्छा अच्छा, चलिए दो लोग मिल गए हैं। और भैया लोग देख के आ गए क्या आप? देख के आ गए। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो अभी फिर वापस जाएंगे, खाली मिलने के लिए आए थे? मिलने के लिए। चलिए धन्यवाद भाई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक निकलते हैं। धन्यवाद भाई। जगह का नाम तो नहीं पता है, लेकिन गाड़ी को साइड में लगा दिया है नाश्ता करने के लिए। अच्छा भैया लोग भी बोल रहे कि चलिए यहीं पे नाश्ता कर लिया जाए, बगल में पीछे दुकान है वहीं पे नाश्ता करेंगे, पेड़ के नीचे गाड़ी को भी लगाना है। तो पोषण अभी गाड़ी को कर रहा है बैक, भैया लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो है इसी के पीछे लगाए गाड़ी, मतलब इसके सामने लगे गाड़ी, पीछे नहीं। जाओ जाओ, ठीक है जाओ जाओ,
अभी हम लोग भाई नाश्ता की दुकान पे आ चुके हैं। अच्छा, हम लोग आज खाने वाले हैं दही चूड़ा, ठीक है? दही चूड़ा है, ठीक है, दही है, चूड़ा है, और इसमें थोड़ा चीनी भी दे दिया गया मीठा के लिए। तो दही चूड़ा फर्स्ट टाइम हम खाने वाले हैं, जब से गाड़ी चला रहे हैं। घर पे दही चूड़ा खाए हैं, घर से बाहर फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं दही चूड़ा। तो चलिए खाते हैं। आजकल पता है डॉक्टर साहब बोले कि सादा सादा खाने के लिए, थोड़ा सा हम सुबह रनिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो शरीर का फिटनेस बना के रखना है, तो भाई सादा खाना है अभी इस समय। तो अपना यहाँ पे नाश्ता ये लग चुका है भाई, दही चूड़ा, और वो भी पत्ता में। चलो खाते हैं। तो भाई दही चूड़ा खाने में जो आनंद आ रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है, वही झारखंड का दही चूड़ा। सादा खाना खाना चाहिए इस समय। बाहर भी आप अगर जा रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं, तो ये कोशिश करना है हम लोगों को कम से कम तेल मसाला वाला सामान खाना है, ठीक है? तो दही चूड़ा खा लो फ्रेंड्स। फाइनली भाई हमारा नाश्ता पहले हो चुका है, और नाश्ता का पैसा भाई हमें नहीं देना पड़ा। आज सुबह का नाश्ता हमारे सब्सक्राइबर भाई की तरफ से था। अपने एरिया में सेवा बनता है। क्या बताए, मतलब भैया लोग बोल रहे कि आप अपने हमारे एरिया में आए तो हम नाश्ता कराएंगे। कभी आप भी आइए बनारस, हमें भी सेवा का मौका दीजिए, ठीक है? तो एक्चुअली भैया लोग पीछे ही नाश्ता करा रहे थे, लेकिन उधर नाश्ता का दुकान नहीं था, तो हम सोचे चले गए होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई लोग पीछे पीछे आ रहे हैं नाश्ता कराने के लिए। अभी भाई लोग आगे भी जाएंगे, आप लोग पाकुड़ जाएंगे, पाकुड़ जाएंगे। चलिए अभी मिल के अच्छा लगा काफी आप लोगों से। नाश्ता का दुकान, नाश्ता का दुकान सही है, बढ़िया हमें लगा। भट्टू का दुकान, भट्टू का दुकान, अच्छा चलिए, एकदम बढ़िया से बना रही है आंटी जी खाना पीना, नाश्ता पानी सब कुछ। तो ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिलते रहते हैं, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ की नाश्ता का पैसा भी भाई लोगों ने बोला कि भैया आपको नहीं देना है। मतलब पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनका उनको खुशी हुआ कि पीडीएम भैया को नाश्ता करवाएं। मतलब एक होता है ना, प्यार होता है, ठीक है, ये होना चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए इंसान का। तो हमें भी अच्छा लगा भाई लोगों से मुलाकात करके। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट अभी हम लोग हिरणपुर पहुँचे, हिरणपुर मार्केट में ही खड़े हम लोग, और मिल गया हमारे सब्सक्राइबर भाई। क्या नाम है? मेरा नाम जीत कुमार दे जेडी। अच्छा, और आपका? तापस दे। अच्छा, तापस दे भाई। तो चलिए मिल के अच्छा लगा भाई आप लोगों से, और भाई लोग मिलने के लिए उधर से आ रहा है जी। क्या है भाई? ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ पर बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया, आपका वीडियो हम लोग देखते हैं, बहुत देखते हैं भाई। थैंक यू। अभी तो आ रहे बनारस से, वहाँ पे एक भाई और आ रहा है, गाड़ी खड़ा करके देख सकते हैं आपको हम देखे अभी तुरंत काशी एक्सप्रेस। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा, पीछे नहीं कर पाया गाड़ी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पाकुड़। अभी टाइम हो रहा है 10:30, इसीलिए थोड़ा हल्का हल्का जाम है, बहुत ज़्यादा जाम नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे निकल जा रहा है। तो भाई अब हम लोग बंगाल में एंटर कर चुके हैं, पाकुड़ पार करने के बाद ये गंगा ब्रिज है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं फरक्का ब्रिज, और भाई इतना दिन बाद आए हैं ना, काफ़ी सारा चीज़ें चेंज हो चुका है। अभी उस तरफ का एक रोड बन रहा था, मतलब फ्लाईओवर बन रहा है वो नया वाला, वो भी आधा कंप्लीट है। तो पोषण कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत दिन बाद फरक्का ब्रिज पे आए हैं हम लोग। और एक चीज़ सुनने में आया है कि यहाँ पर रात को लाइट जला के नहीं चल सकते हैं, क्या ये सत्य बात है? आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर सत्य होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई फरक्का ब्रिज को क्रॉस करते ही पहला टोल आ गया, ये फरक्का रायगंज हाईवे है। तो भाई पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा, खुल गया, चलो भाई। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कालिया चौक, ये है मालदा से पहले, यहाँ पे पूरा लीची का मार्केट लगता है। ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये वाला झोपड़पट्टी बना हुआ है, ये पूरा लीची का मार्केट है। यहाँ से व्यापारी आते हैं, अपना अपना खरीदते हैं, और जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा पहुँच जाते हैं बागान में लीची खरीदने के लिए। एक बार दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये पूरा लीची का यहाँ मार्केट लगा हुआ है, ठीक है, और इसके आगे भी है वहाँ पे तो लीची का मार्केट है। ये पूरा एरिया में लगता है, कालिया चौक का ये पूरा एरिया है, और बाकी इसके अंदर से भी हम लोगों ने बहुत बार लोड किया है। इसके अंदर जाएंगे पूरा लीची और आम का आपको पूरा बगीचा मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे बगीचा है भाई। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हरियाणा का नंबर आया है लोड करने के लिए गाड़ी, लीची भरने के लिए पिकअप, और राजस्थान का भी गाड़ी कल जो मैंने देखा है सब लीची भरने के लिए आया है यहाँ पे, और पिकअप ही आया है भाई। भाई ऐसे ड्राइवरों को भाई से दुर्घटना होता है सड़क पे, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसको बांध के लेके जा रहा है, अगर एक भी सड़क के गिरा तो क्या होगा दूसरे गाड़ी का, वो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसमें बड़ा बड़ा बांस है ये।
तो गाइस फाइनली हम लोग मालदा पहुंच चुके हैं और अभी जो अपना सफर बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का बाकी है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसके अंदर आप पहुंच जाएंगे मालदा मेन सिटी में। मालदा मेन सिटी के लिए उधर से भी रास्ता कटा था और एक आगे एक चौराहे से भी कटा है। तो जो मालदा का जो मंडी है, फल मंडी है, हम तो कभी आए नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे और वो इसी के अंदर है मेन सिटी में। तो थोड़ा सा मुँह धो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है, दोपहर का टाइम है और भूख भी लग गया है। तो भैया गए वहाँ पे चाय पीने के लिए, वो आते हैं तो पोषण को पीछे बैठाएंगे और जिनका सामान है उनको आगे बैठा के फिर हम लेके चलेंगे। तो टोटल 20 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम लोग फटाफट पहुँचेंगे मस्त वहाँ पे। जो मालदा वाला हाईवे था, बालूरघाट मालदा हाईवे, उसको हमने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद अभी अंदर घुस गए हैं गाँव वाले रोड पे और अपना जो अभी सफर बाकी है वो बाकी है 15 किलोमीटर का और पोषण पीछे है, दादा को आगे बैठा लिया, इनका सामान है तो ये रास्ता ही बता देंगे हमें। और हम लोग जा रहे हैं गाइस रानीगंज। ये आसनसोल के आगे वाला रानीगंज नहीं है, ये रानीगंज है, मालदा वाला रानीगंज। और कौन कौन यहाँ पे वीडियो देख रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। दादा हमको पहले ही बताए थे कि यहाँ पे ब्रेकर बहुत मिलेगा, तो ब्रेकर ही ब्रेकर दिख रहा है, एकदम धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो पहला BSF कैंप पड़ेगा उसके थोड़ा सा आगे आके हम लोग घूम गए हैं राइट साइड के अंदर, मतलब राइट साइड में गाँव के अंदर घुस गए हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप दोनों तरफ पूरा आम का बगीचा है, लंगड़ा आम का बगीचा है दोनों तरफ, ठीक है, पूरा इधर आम बहुत ज़्यादा होता है। तो मालदा का जो आम होता है उसका कुछ क्वालिटी आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि हम तो खाते रहते हैं हमेशा। मालदा का जो लंगड़ा आम होता है वो पकने के बाद पीला हो जाएगा और जो भागलपुर का लंगड़ा आम होता है वो पक जाता है लेकिन ज़्यादा पीला नहीं होता है, वो आपको लगेगा ऊपर से कच्चा है। तो लेकिन और जो मालदा का वेस्ट बंगाल मालदा का जो लंगड़ा आम होता है वो आम जो छिलका होता है आम का वो बहुत पतला होता है। तो चलिए अभी बस 14 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। अच्छा एक सीन अपने साथ हमेशा होता है, मतलब जब हम पहुंचने वाले होते हैं ना तो अंदर से बहुत आलस आलस लगने लगता है। जैसे मान लो हम पहुंचने वाले हैं तो अंदर से लग रहा है बहुत आलस, अब जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक तो ठीक था, अब भाई इतना पास पहुँच गए तो अंदर से आलस लग रहा है। पूरा एकदम गाँव के अंदर जा रहे हैं सिंगल रोड में, मस्त मज़ा आ रहा है भाई। और इधर लगता है कि बारिश हुआ है बहुत ज़बरदस्त वाला, लेकिन हम लोगों को रास्ते में कहीं पे भी बारिश देखने को नहीं मिला आज, ये काफ़ी अच्छा रहा अपने लिए क्योंकि नहीं तो फिर तिरपाल लगाना पड़ता, बहुत दिक्कत होता उसके लिए। तो हम पहुंचने वाले थे गांव के अंदर और यहां से मेरा वीडियो देखा जाता है, मिल गया हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम भाई आपका? जय राय। अभी तो बाइक लेके जा रहे थे उधर? हाँ, तो आपने तुम्हारा गाड़ी देखा मैं फिर घुमा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, पसंद भाई भी है? हाँ पसंद भाई पीछे अभी है, ठीक है चलो भाई। तो यहाँ पे हमारे और भी कुछ भाई लोग मिल गए, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? हम तो एकदम एक नंबर। कहाँ जा रहे हो? आम मंडी जा रहे। अच्छा आम लेने जा रहे हो? इधर तो आम ही आम होता है ना। अच्छा अच्छा लंगड़ा कौन सा आम होता है इधर? हम आए 12-7 से। अच्छा 12-7 से आए हो? अच्छा हावड़ा 12-7 से। ओ तो जब जब अंदर जा रहे हैं ना, जितना अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ अलग टाइप का आइटम दिख रहा है। पूरा ताल यहाँ पे काट के रखा गया है क्योंकि ये सब बेचते हैं यहाँ पे और आदमी यहाँ पे बहुत चाव से खाते भी हैं, हमें भी काफ़ी पसंद है। और किसको किसको पसंद है बताओ जल्दी जल्दी आप लोग भी। फाइनली भाई 24 घंटा मेहनत करने के बाद अपने लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। टोटल 750 किलोमीटर गाड़ी मेरा चल चुका है। तो आ जाओ दिखाते हैं भाई कैसा लोकेशन है। तो देख सकते हैं छोटा सा गली है, यहीं पर अपना गाड़ी आया हुआ है और ये रहा अपना सामान जो कि गाड़ी में हम लेके आए हैं बनारस से और यहाँ पर उतरेगा, इधर अंदर घर है। तो चलिए थोड़ा पानी वानी पहले पीते हैं उसके बाद सामान पहले खाली करवाते हैं, इतना ज़्यादा थक गए ना कि मतलब बोल ही नहीं निकल पा रहा है अच्छे से। तो अपने गाड़ी का जो सामान था वो फाइनली अब उतरना चालू हो चुका है। यहाँ पे पोषण ने डाला वाला खोल दिया सब आराम से, ये देखो भाई धीरे धीरे करके पूरा सामान को उतरवाते हैं और गला भी बैठ गया। तो ये हो रहा है सामान खाली, अपना गैस सिलेंडर भी जा चुका है। पहले ये कूलर वूलर निकाल देना पोषण, ठीक है अब कूलर निकालना इसके बाद। तो अब उतारा जा रहा है बड़ा वाला कंडाल, इसके बाद धीरे धीरे करके पूरा सामान उतरेगा। खींच लो खींच लो, इधर साइड में खींच लो। तो भाई हो चुका है शाम, गाड़ी खाली करके खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिए। रेस्ट करने के बाद जो अपना भाड़ा बकाया था वो भी फाइनली मिल चुका है हमको। तो टोटल भाड़ा का बात करें आप लोग कॉपी कमेंट करते हैं, भाड़ा बता दिया करिए टोटल कितना किलोमीटर चले हैं, क्या बचत हो रहा है आपको। तो अगर हम देखो खाली यहाँ से जाते हैं गाड़ी को लेके तो हमको बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4-5 हज़ार रुपया। अगर हम लोडिंग लेके जाएंगे तो कम से कम बच जाएगा हमको 20,000 रुपया, उससे भी ज़्यादा बच सकता है। तो भाई बात देखो पैसे की नहीं है, यहाँ हम आए हैं तो लोडिंग लेके ही जाएंगे, सबसे बड़ा चीज़ ये है।
और अपना जो बुकिंग का बात हुआ था वो बात हुआ था 20,000 रुपये में, 10,000 रुपये हमको वहाँ पे एडवांस मिला था और 10,000 रुपये फाइनली हमको यहाँ पे भी एडवांस मिल चुका है। मतलब अपना जो ये 20,000 रुपये था वो फाइनली हमको मिल चुका है। अब हम कल यहाँ से लोडिंग भी करने वाले हैं। अब क्या चीज़ लोड कर रहे हैं वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे मेन रोड की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा भी नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग भाई अपना वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है यार और वीडियो का टाइम भी हो चुका है आज का। और भाई शाम के टाइम का जो व्यू है ना और भी गाँव का काफ़ी प्यारा लगता है, शाम के टाइम का व्यू और इतना मस्त ठंडा ठंडा यहाँ पे हवा चल रहा है। सुनने में आया है कि कल रात से लेके बारिश हुआ है तो मौसम और भी अच्छा हो चुका है यहाँ का। सो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए कोई मार्केट खोजते हैं पहले हम लोग गाड़ी लगाने के लिए। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मालदा से और आगे तो यहीं पर रात को रुकेंगे। मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, कैसे हो भाई? भैया ठीक है। क्या नाम है? अरमान। अच्छा अरमान भाई मिल गए हैं रास्ते में, तो भाई का मैजिक था और हमको तो पता ही नहीं था भाई हाथ दे रहे हमें, तो फिर हम आगे रुके तो भाई भी रुक गए, मुलाकात हो गया भाई से। सब बढ़िया तो भाई? चलिए हाँ निकलते हैं। ठीक है भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा। ठीक है ओके भाई, चलो टाटा। तो अभी रात का 9:30 बज चुका है, हम लोग खाना पीना भी हो चुका है और हम लोग अभी फरक्का से 40 किलोमीटर पीछे हैं तो यहीं पे सोएंगे। पेट्रोल पंप पे अपना गाड़ी मस्त लगा हुआ है, पोषण अभी पीछे बिछौना बिछा रहा है अपना और मौसम भी काफ़ी गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं रात को अगर बारिश हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को। तो चलिए जैसा भी होगा झेलना पड़ेगा। ठीक है तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में और इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड भी कर रहे हैं। फ्लैश लाइट को पकड़ने पड़ता है हाथ में, इसका ना जो लगाने वाला खूंटी था वो ख़राब हो चुका है। कोई नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं भाई। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद। कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।